नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंबाला के समीप प्रति बराड़ा को नगर पालिका का दर्जा मिले काफी समय हो गया है, परंतु कस्बा वासी अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इन दिनों त्योहारों के दिन चल रहे हैं, परंतु बराड़ा कस्बा की ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें, फ्लाईओवर पुल की लाइटें, मेन बाजार की लाइटें खराब पड़ी हैं। इसके चलते रात के समय बाजार, सड़कों, मोहल्लों में अंधेरा हो जाता है। इससे कस्बा वासियों को रात के समय आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कस्बा वासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाई जाएं, ताकि कस्बा वासियों को कोई असुविधा ना हो और ना ही कोई अनहोनी घटना हो सके। बराड़ा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? तीर्थचंद। क्या समस्या है जी? समस्या क्या है यहाँ की, सारी लाइटा जितनी भी स्ट्रीट लाइट की लाइटा ने 3-4 महीने से बिल्कुल बंद पड़ी है ना। इनकी कंप्लेंट भी करते हैं, सारा भी करते, कोई नहीं आता ठीक करने। हम तो बड़े परेशान हैं, हमारा मल्ला सारा रात को अंधेरे में डूबा रहता है। आगे हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी लाइटें जल्दी से जल्दी ठीक की जाए। जी आपका क्या समस्या है? मेरा नाम मनविंदर सिंह है, मैं वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। आज सचिव नगर पालिका बराड़ा को मेरी तरफ से बंद पड़ी और काफ़ी जगह पर खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की शिकायत दी गई है लिखित रूप में, और हमारा सचिव नगर पालिका बराड़ा से यही अनुरोध है कि जो सामान की कमी की वजह से स्ट्रीट लाइटें नहीं चल रही, तो इन स्ट्रीट लाइटों को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए, ताकि इनकी वजह, बंद पड़ी लाइटों की वजह से जो स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो हमें भविष्य में ना आए। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।